वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में, जहां से हम आपको हर एक खबर से रूबरू करवाते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि कोरोना संकट काल के बीच में बेरोजगारी को लेकर युवा पीढ़ी अब सड़क पर उतर चुकी है। जी हाँ, अब युवा पीढ़ी अब सड़क पर उतर चुकी है, वहीं लगातार वे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि वे ये जो मामला है बेरोजगारी को लेकर वो सड़क पर तो उतर ही चुके हैं, साथ साथ में ये जो मामला है अब सोशल मीडिया पर भी लगातार इस बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सभी जो युवा है वो सड़क पर उतर चुके हैं और हंगामा मचा रहे हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सभी जो लोग हैं वे शिवराज सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही हैं। वहीं वे नारेबाजी में ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ और रोजगार दिलाओ, इस टाइप के वे नारेबाजी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को भोपाल के साथ साथ में भिंड जिले में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहां पर आपको बता दूं कि इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन में हंगामा मचा दिया, वहीं कई गोलियां भी चली हैं तो कई लाठी चार्ज भी हुए हैं। जी हाँ, गोलियां तक चली है। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी का मुद्दा लगातार धूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं कई गोलियां भी चली है। आपको बता दें कि गोलियां चली है, लेकिन हालांकि गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी है। और आपको बता दूं कि इसी दौरान का महिला के साथ में, यानी कि कांग्रेस की महामंत्री ममता मिश्रा के साथ में झूमा झपटी हुई है, जिसके बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश हो चुका है। जी हाँ, इस मतलब जो महिलाओं के साथ में भी मतलब झूमा झपटी हुई थी, जिसके बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो गया है और वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही वे कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर ये जो मतलब जो मामला हुआ है, यानी कि महिलाओं के साथ में भी झूमा झपटी हो रही है, तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई करें, और वहीं उन्होंने मांग भी की। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान कांग्रेस के नेता देवाशीष जरारिया, जो कि सड़क पर उतर चुके हैं, जिन्होंने उन्होंने ये भी बोला है कि जो शिवराज सरकार है वो मुझे मारना चाहती है। जी, उनका मकसद यही है कि शिवराज सरकार मुझे मारना चाहती है, क्योंकि मैं युवाओं की जो बेरोजगारी को लेकर आवाज उठा रहा हूं, इसलिए शिवराज सरकार मुझे मारना चाहती है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है। आपको बता दूं कि इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भले आप मुझे मार डालो, भाजपा वाले मुझे मार डालो, लेकिन मैं रोजगार दिला के रहूंगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है। और साथ ही इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी हमारे वॉइस ऑफ एमपी के पास में, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ में यानी कि इतना हंगामा मचा दिया है कि गोलियां तक चलने लगी है। वहीं महिला यानी कि कांग्रेस की महामंत्री, जिला महामंत्री ममता मिश्रा के साथ में झूमा झपटी तक हुई है। आप देखिए ये वीडियो। निजीकरण बंद करो, निजीकरण हो जाए तो रोजगार कम चला के विरोध में, ठीक है? जाके नीचे आ गए हो, युवा युवा पकड़ी हो, आओ हे निजीकरण बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, राज्य सरकार निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवा सरकार निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, बिना काम धंधे के डिग्री किसी काम की नहीं, काम की नहीं, काम की नहीं, डिग्री जाते भी है नवीन, ऐसे आओ ना, डिग्री बजलारी हम सभी लोगों ने देखते हो, सभी युवा आओ और बेरोजगार भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ, जब सारी चीजें निजीकरण ही हो जाएंगी तो कोई काम नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब नौकरी ही सरकारी नहीं रहेगी, जब निजीकरण हो जाएगा तो ये डिग्री और हम पढ़ के क्या करेंगे बताओ। इसलिए मैं एक पंक्ति के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भर्ती लिख ले तो इंतजाम नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम लिख ले तो ज्वाइनिंग में नाम नहीं। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो आखिर युवाओं का सम्मान क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम युवा प्रदेश की एक जान है, जान है, हम एक आवाज में एकत्र है। देखो भैया, जब भी आप बुलावे हम
दिन रात आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी जो आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, अब गोली चला कुछ भी चला, हमारा संघर्ष जारी है, जारी है, जारी है, अभी भी।